बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रन नज़ारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन आप तक नई नई मालूमात पहुंचाना होता है, तो आजकल हम वादी जंगड़ में मौजूद हैं और वादी जंगड़ में एक बहुत बड़ी ऊंची चोटी है जो बताया जाता है कि 4000 से ज़्यादा फुट बुलंद है। उसके मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मालूमात पसंद फरमाएंगे और नए व्यूअर्स से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इलाका जंगल में तहसील चोहा सैदन शाह के एक कस्बा बशारत से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाकया ऊंची पहाड़ की चोटी है जो चहल अब्दाल के नाम से पुकारी जाती है। यह चोटी तकरीबन 4000 फुट बुलंद है और यहाँ से पूरे रावलपिंडी डिवीज़न के शहरों जहाँ तक नज़र जाती है नज़ारा किया जा सकता है। इस चोटी को चहल अब्दाल का नाम क्यों दिया गया? मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 500 साल कबल इस चोटी पर मुख्तलिफ औकात में 40 अब्दालों ने चिल्ला कशी की थी और उन नेक लोगों की मुनासबत से इस पहाड़ी चोटी को चहल अब्दाल का नाम दिया गया। यहाँ पर अब बाकायदा वो जो चिल्लागाह है उस पे कमरा बनाया गया है और उसे सजाया गया है। कहते हैं कि ज़ायरीन जो भी नेक तमन्ना लेकर यहाँ आते हैं अल्लाह ताला पूरी फरमाता है और बिलखसूस बच्चों के हाथ पाँव का टेढ़ापन भी ख़त्म हो जाता है। टेढ़ापन के लिए बच्चों को 40 जुमरातें लेकर आना पड़ता है और अल्लाह तबारक व ताला शिफा अता फरमाता है। कहते हैं कई बच्चे यहाँ से ठीक हुए हैं। व्यूअर्स, ये तमाम मालूमात मकामी लोगों से लेकर आपको बताई जा रही हैं। बाकी ये चोटी बहुत ही खूबसूरत और पुरफिजा मकाम है। चहल अब्दाल की चोटी पर जाने के लिए पैदल और जीप के ज़रिए जाया जा सकता है, जबकि बाइक पर भी आप पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर मई जून को भी सर्दी लगती है। अब तो यहाँ पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक शेल्टर और बेंच वगैरह भी लगवा दिए हैं। यहाँ पर ज़ायरीन बैठते हैं, फिर यहाँ पर ज़ायरीन के साथ साथ टूरिस्ट भी आते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। द्रैजेलम और किला कुसब यहाँ से नज़र आते हैं। वादी सून और कश्मीर का लुत्फ आप यहाँ से उठा सकते हैं। मज़े की बात बताता चलूँ, इस चोटी से चकवाल की मशहूर 5 झीलें डोकटालियाँ, कोटराजा, बन कुतब, बन अमीर खातून और चक बाकर शाह की झीलें नज़र आती हैं। इसके अलावा दूसरी झीलें भी नज़र आती हैं और चोटी के ऊपर से बहुत दूर दूर तक नज़ारा किया जा सकता है। इधर से किला नंदना भी नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत पुर नज़ारा चोटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करें।